नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? EMRS की देखा जाए टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पदों पे बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं और आगे भी आने वाली हैं। अभी फिलहाल इस सेशन में जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, EMRS में लैब अटेंडेंट का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। कैसे हमें इस पद के लिए तैयारी करना है, लगभग 400 पद होते हैं, कम नहीं होते हैं। इससे पूर्व में NVS का आया था, उसी तर्ज पे, बिल्कुल उसी तर्ज पे, थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है बस, बाकी सब कुछ वैसा ही है। 400 पद, हालांकि वहाँ पे 150 ही पद थे, यहाँ पे लगभग 473 पद हैं। तो अभी बहुत अच्छा मौका है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 10th प्लस लैब अटेंडेंट के डिप्लोमा वाले या 12th साइंस साइड वाले एलिजिबल हैं, तो लगभग सारे के सारे ही बच्चे ये बोला जा सकता है कि इस पद के लिए एलिजिबल हैं। और लेवल वन की जॉब भी है, एक बहुत आसान जॉब भी है। थोड़ी सी मेहनत करने पर एक सरकारी नौकरी अगर आपके हाथ लग जाती है तो उसमें बहुत अच्छी बात है, और थोड़ी सी आपको तैयारी करके ये जॉब ले भी लेनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि जॉब हम ले कैसे, तैयारी करें कैसे, क्या रिसोर्सेस होनी चाहिए, क्लासेस कैसे अटेंड करें, कहां से अटेंड करें, नोट्स क्या होनी चाहिए, किताबें क्या होनी चाहिए। और जो ये स्पेशल आपका सबसे बड़ी बात है कि जो साइंस वाला पार्ट इसने दे दिया है, जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट दे दिया है, ये कहां से तैयार करें, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो, सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब और से कर लो और वीडियो को पूरा देखो, ताकि आपके इस मन की सारी जो ऊहापोह की स्थिति है सब कुछ यहां पर शांत हो जाए और आप अपनी तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगा पाओ और एक नौकरी अपने नाम पर लो भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अटेंडेंट की पद की है। सबसे बड़ी बात इसमें हम ये भी पता करेंगे कट ऑफ क्या रह सकती है। इस बार पहली बार पेपर हो रहा है और आपकी कोचिंग बुक्स, PDF, सेवी स्कोर और टेस्ट सब कुछ हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अल्टीमेटली पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे एक जो बेस्ट रणनीति हो सकती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आपका जो हम लोग कोर्स ला रहे हैं, जो किताबें आपको अवेलेबल कराएंगे अलग अलग, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे बायोलॉजी के लैब मैनुअल हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फिजिक्स के लैब मैनुअल हो, केमिस्ट्री के लैब मैनुअल हो, जनरल अवेयरनेस हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। हालांकि इसकी बात मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले आते हैं कि आखिर हमें इसकी तैयारी करनी कैसी है। 373 पद, या वैसे 400 पद बोलूँ तो कम गलत नहीं होगा, लगभग 20-25 पद ही कम है 400 में, तो 400 ही पद मान के आप चलो। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका सिलेबस बहुत ही आसान है, 5 पार्टों में आपका पूछा जाना है ये। हाँ, ये तो जैसे का है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक बार लैब अटेंडेंट का, तो इसमें आपका पैटर्न देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपका रीजनिंग पूछा जाना है, ठीक है, रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग के साथ आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस के बाद आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पूछे जाएंगे, ये बात आप समझना, इसको एक ही पार्ट माना गया है। और इसके बाद आपका स्पेशल सब्जेक्ट स्पेसिफाइड, या फिर ट्रेड बोल दो, है ना, ट्रेड बोल दो या सब्जेक्ट स्पेसिफाइड बोल दो, जो भी आप बोल लो, ये आपके ओवरऑल पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, और चौथा पार्ट आपका ये है। इसमें आपके 15 क्वेश्चन, इसमें भी आपके 15 क्वेश्चन, ये भी आपका 15 क्वेश्चन, ये भी आपका 15 क्वेश्चन, मतलब कि ये टोटल 30 क्वेश्चन, और उसके बाद आपका 60 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। 120 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, एक आपका प्लस का मिलेगा, प्लस का आपका एक नंबर होगा, और निगेटिव आपका कितना होगा, 0.25 होगा। एक समग्र जो आपका पैटर्न है वो ये है। अब आपके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं भी आपको इतना बोलूंगा कि अभी आपको इन 4 पोर्शन पे फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉमन है और बहुत आसान पूछा जाना है। ये आप अभी भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करते आ रहे हो, सब में लगभग ये क्या होता है, आप इसकी तैयारी करते हो, पढ़ते हो। हालांकि टीम जब आपकी बैच चला रही है इसकी, तो पूरा समग्र तैयारी सारे पार्ट की कराएगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा रणनीतिक तरीके से इसको बाद में समझाऊंगा, इस पोर्शन को जहां पे आप सबसे ज्यादा परेशान हो, इसको मैं सबसे पहले आपको समझाने वाला हूं कि इसकी तैयारी हमें कहां से करनी है। तो हम यहां पे ट्रेड की बात करते हैं, किसके लिए, लैब अटेंडेंट के लिए। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लैब अटेंडेंट का पद होता क्या है, ठीक है, इसकी आपके जॉब प्रोफाइल आपको आशीष सर बहुत अच्छे से बना भी देंगे, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको लैब अटेंडेंट बस इतना बता दूं कि जब आप अपने स्कूल में 9th, 10th, 11th, 12th में प्रैक्टिकल करने जाते थे, तो प्रैक्टिकल करते समय एक तो आपका टीचर होता था जो प्रैक्टिकल करवाता था, जैसे आपने जब प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल किया था, या आपने स्टोमेटा पेड़ों के पत्तियों में स्टोमेटा देखे थे, या फिर आप बोल दो कि टाइट्रेशन किए थे, या वो सल्फर की वो गंदी सी स्मेल, सड़े अंडे वाली स्मेल वाला जो आपने प्रैक्टिकल किया था, वहां पे आपके टीचर के साथ साथ उनका एक अटेंडेंट था, जिसे टीचर क्या करते थे कि भैया ये फ्लास्क लेके आओ, कैपिलरी ट्यूब लेके आओ, ये प्रॉन्ग लेके आओ। तो ये सारी चीजें जो आपसे मंगाते थे,
है ना, किससे मंगाते थे आपके टीचर, वो लैब अटेंडेंट से ही मंगाते थे। तो लैब अटेंडेंट का काम होता है एपरेटस का रख रखाव करना और वहाँ पे सारी चीज़ें टीचर को उपलब्ध कराना, ताकि बच्चे और टीचर आराम से क्या कर सकें, वहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकें। तो लैब अटेंडेंट में अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका सब कुछ लेबोरेटरी में होना है, लैब में होना है, तो इस बार आपका EMRS ने सिलेबस भी बहुत अच्छा डिज़ाइन कर दिया। एक बार हम इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सिलेबस भी आपका इसने कैसे दिया है। ये देख दो, ये देखो आप, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड में इसमें आपका नॉलेज ऑफ लैब वर्क, लैब इक्विपमेंट, लैब में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनका टूल्स, जो नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल्स, मतलब कौन से केमिकल का एक्सपेरिमेंट होना है उस केमिकल का पता होना है। मतलब अगर टीचर उनसे क्या मंगाए, सल्फर मंगाए, सल्फर डाइऑक्साइड या समथिंग करके कुछ मंगाए, तो उन्हें पता होना चाहिए। अगर एसिड मंगाए तो लैब अटेंडेंट को पता होना चाहिए यही एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है, अल्टीमेटली ये आपको केमिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ताकि बच्चों को ये बता पाएं कि भाई ये मत करो वरना जल जाओगे, एसिड हाथ पे छलक जाएगी तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपको हार्म हो सकता है। साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल्स है ना, ये होगा इक्विपमेंट और नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉमनली यूज्ड इन लैब्स, ठीक है, टेक्निक्स और ये सब किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, मतलब कि बायोलॉजी के, इन तीन के परिप्रेक्ष्य में, इन तीन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें। तो अल्टीमेटली अगर आप सिलेबस को देखो तो आपको ये समझ में आ गया है कि आपसे फिजिक्स से, ठीक है, फिजिक्स से, आपसे केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री के साथ साथ आपसे किससे, आपके बायो से पार्ट से, इन तीनों के ही जो लैब, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, इनके प्रैक्टिकल से संबंधित आपके सारे ही चीजें पता होनी चाहिए और यहीं से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जब आप अपने प्रैक्टिकल मैनुअल बनाते थे उसमें एम बनाते थे, ऑब्जेक्टिव बनाते थे, प्रोसीजर बनाते थे, उसके बाद आपका वाइवा वाइस होता था, आपसे एक टीचर आता था, वाइवा आपका लेता था कि कैसे, वहाँ पे क्या होता था कि आपसे प्रश्न पूछा जाता था कि आपने प्रैक्टिकल में करके आए हैं, ये क्या होता है, नीला थोथा क्या होता है, ठीक है, सल्फर की स्मेल किससे आती है, तो तमाम चीज़ें वही आपसे इसमें पूछा जाना है। और ये तैयारी आपको कहाँ से करनी है वो आपको मैं समझाता हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे फिर से, मैं बोल रहा हूँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, क्योंकि सारी ही आपकी लैब अटेंडेंट की पूरी क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एक एक आपके समस्या का समाधान टीम परीक्षा प्लस करने वाली है, और बहुत विधिवत तरीके से, मतलब आपके सारे ही जो परेशानियां हैं उसका समाधान आपको चैनल पे मिलने वाला है। अब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पढ़ेंगे तो बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और मैंने देखा भी है कि बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो सीधा ही आके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने लग गए हैं, ऐसा नहीं है। और वो देख क्या रहे हैं, वो देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखो ये NVS में पिछली बार जो लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ था उसके सिलेबस और पेपर के अकॉर्डिंग उसने क्या लिख दिया था, उसने सिलेबस में लिख दिया था जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पूछा जाएगा, और उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया था। लेकिन इस बार पैटर्न अगर आप देखोगे तो सेम है, मतलब पिछली बार नवोदय विद्यालय समिति का यहाँ पे आया था, एक बार आप देख लो, अगर सही से दिख ना रहा हो तो मैं आपके यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ ताकि क्लियरली आपको दिख जाए। ये आप NVS में आया था, और यहाँ पे सारे पोस्ट नेम में आप देखोगे इसका जो पैटर्न था पिछली बार भी, यहाँ पे लैब अटेंडेंट का ये रीजनिंग का 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, मतलब 15 इंग्लिश 15 हिंदी, और उसके बाद आपका 60 क्वेश्चन किससे आया था, सब्जेक्ट नॉलेज था, ट्रेड था, जो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, PCB बोल सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपसे पूछा था। और ये जनरल कॉमन क्वेश्चन पूछा था जो आपके बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा था, क्योंकि इसने अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा था कि भाई हम सिलेबस में जनरल साइंस पूछेंगे। लेकिन अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे जनरल साइंस नहीं लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने नॉलेज ऑफ लैब वर्क लिखा है। तो इस बार आपका साइंस के पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी कोचिंगें जनरल साइंस पढ़ाने लग गई हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है, रिसर्च ही कर रहे हैं कि भाई इस बार आना क्या है। आपको ये पता है कि EMRS की वैकेंसी का सबसे पहले सूचना देने वाली भी टीम परीक्षा प्लस है, और सबसे पहले तैयारी भी और सबसे सटीक तैयारी कराने वाली टीम भी परीक्षा प्लस होने वाली है, और सबसे बेहतरीन सिलेक्शन देने वाली भी टीम परीक्षा प्लस होने वाली है। उसका कारण भी है क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर रिसर्च करते हैं, एक एक चीज आपके लिए लेके आते हैं, वो वाकई में कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। अब आप समझो कि आपका ये पूछा कहां से जाएगा, ये आपका पूछा जाएगा क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के लैब मैनुअल से। ये लैब मैनुअल क्या होता है, ये लैब मैनुअल और कुछ नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल की बुक होती है जो आप क्लास टेंथ और इलेवन, और
किससे पूछा जाएगा, ये एनसीईआरटी के, ना कि स्टेट बोर्ड से, ये एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी के आधार पे ही तैयारी करनी है, जो लैब मैनुअल प्रैक्टिकल बुक थी उससे करना है। और अगर आप नाइन्थ और टेंथ में देख लोगे तो दोनों क्लास मिला के करीबन 15 से 16 आपके टॉपिक है, जिनमें से ओवरऑल अगर देखो तो 35 से 40 एक्सपेरिमेंट है। उन्हीं 35 से 40 एक्सपेरिमेंट से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाने। तो आपको भटकना नहीं है कि भाई मैं साइंस पढ़ने लगूं, पता लगे आप पूरी फिजिक्स पढ़ रहे हो, पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पूरा बायो पढ़ रहे हो, आपसे वो ना पूछा जाए, आपसे एपरेटस पूछा जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। ये आपकी क्लास 10th की एक इंट्रो की जो बुक है वो मैं आपको दिखाता हूं। हां, ये इस किताब को आप देखो, इस किताब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है। अगर ये किताब कोई ना देखे हो तो, जैसे उसने बोला कि वो किससे पूछेगा, वो एपरेटर से पूछेगा, इक्विपमेंट से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये फ्लास्क होता है, इसका क्या काम होता है, पेट्रेडिस का क्या काम होता है, कवर स्लिप का क्या होता है, बीकर का क्या होता है, थर्मोमीटर का क्या काम होता है, होल्डर का क्या होता है, प्रॉन्ग का क्या होता है, टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब, ये जो टोंग्स होते हैं इनका क्या काम होता है, फोर्सेप्स का क्या काम होता है, गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, रियोस्टेट का क्या काम होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाने हैं, जो और कहीं नहीं, आपके एनसीईआरटी की किताबों में सारी जानकारी अच्छे से दी हुई है और आपको यहीं से पढ़ना है। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप यहां पे देख लो, ये आपके एक्सपेरिमेंट हैं, यहां से आप देखो द नेचुरल फिनोमेना यूनिट 3 और एक्सपेरिमेंट नंबर 34 है। यहां पे देखो, इसमें कहता है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना, ये जो थ्योरी दी हुई है ना, इसी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये जो आपके प्रोसीजर थे इनसे क्वेश्चन पूछेगा, जो आपका रिजल्ट आता है इससे क्वेश्चन पूछेगा, जो प्रिकॉशंस आपको चाहिए वहां से क्वेश्चन पूछेगा, और इसके बाद जो आपके लिए वाइवा वाइज के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करके जाना है, ना कि आपको जनरल साइंस पढ़ना है। तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि अब हमें अपनी तैयारी कहां से करनी है और किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो अगर लैब अटेंडेंट की आप तैयारी कर रहे हो, आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, पर्याप्त आपको समय मिलने वाला है, 1 घंटा पॉजिटिव का, 0.25 निगेटिव का। और इसके लिए आपके दो पार्ट है, एक आपका जनरल सब्जेक्ट, मतलब क्या हो गया, जनरल सब्जेक्ट मतलब हो गया कि आपका यहां पे इंग्लिश हो गया, आपका हिंदी हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, और आपका क्या हो गया, आपका जीए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं। और दूसरा आपका स्पेशल सब्जेक्ट हो गया, और स्पेशल सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है, आपका केमिस्ट्री हो गया, और आपका क्या हो गया, बायो हो गया। ठीक है, ये तीन पार्ट आपका पूछा जाएगा, और इसमें जनरल नहीं, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पूछा जाएगा। ये आप समझते हुए चलो, दो पार्ट में 60 नंबर यहां से पूछा जाएगा, 60 नंबर यहां से पूछा जाएगा, और आपको इसी आधार पे तैयारी करनी है। तो आप सबसे बड़ी बात है कि इसकी तैयारी हम करें कहां से। इसकी तैयारी के लिए आपको बिल्कुल भटकना नहीं है। टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स लेके आ रही है, और मात्र 592 का कोर्स है, मतलब GST जो भी फलाना ढिमकाना होता है सब लगा के भी आप करोगे तो 600 रुपए नहीं पहुंचोगे, 599 ही रह जाएगा, तब भी आपका 1 रुपए कम ही रह जाएगा। ये बात आप समझिए इतना। और इसमें आपको सारी चीजें क्या क्या मिल रही है, हालांकि जो बच्चा खुद से तैयारी करना चाह रहा है तो मैं उसके फेवर में हूं, वो खुद से भी तैयारी कर सकता है, मैं आपको वो भी तरीका आगे वीडियो में बताता हूं। बट जो बच्चे चाहते हैं, क्योंकि एक बात आप लोग समझना कि 2 महीना मुश्किल से आपको समय मिलने वाला है, ये वैकेंसी गोली की रफ्तार से कंप्लीट होगी। ऐसे ही आपका NVS भी आया था, 2 महीने के अंदर आपका जनवरी में फॉर्म आया था और 8 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में पेपर हो गया था। सिमिलरली आपका अगर देखा जाए तो ये पहले से भी पूरी टीम इस बात पे चर्चा कर रही है, और आपको वीडियो के माध्यम से बताई भी, आप लोगों ने देखा भी होगा जब ये बोला था कि EMRS की वैकेंसी आ रही है, 3 चरणों में आ रही है, टोटल 38 से 40 हजार वैकेंसी आ रही है, जिसमें से 4 हजार वैकेंसी आपको सामने आ गई, अभी भी 36 हजार 35 हजार वैकेंसी आनी बाकी है, वो भी बताया जाएगा कहाँ कैसे आएगी। तो जो आपके सामने, आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। इसमें आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के सभी विषयों की वीडियो क्लासेस दी जाएगी, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित बुकलेट नोट्स दिए जाएंगे,
क्लासेस लाइव होंगी, उसकी रिकॉर्डेड भी वीडियो आपको दी जाएगी ताकि आप उसे बार बार देख सकते हो। उसमें स्पीड बढ़ाने का भी आपको इस फीचर दिया जाएगा कि आप 2-3-4 की स्पीड में भी देख सकते हो, और ये आपकी कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लास्ट दिन तक रहेगी, भले एग्जाम आपका 1-2 साल बाद हो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विद इन 60 डेज में आपका पेपर हो जाना है, तो बच्चे जो अभी सोचेंगे कि भैया लाओ फॉर्म भर दूं एक महीना, फिर एक महीना बाद तैयारी करूंगा, तो आपका केवल फॉर्म भरने में और सोचने में कि तैयारी किया जाए इसमें समय चला जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे, नो डाउट 400 पद हैं, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, तो थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होगा, लेकिन समय इतना कम रहेगा कि जो रणनीतिक तरीके से पढ़ लेगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बट एक ये है कि अगर आप कहीं से पेड कोर्स आप यहां से ज्वाइन करो या जहां भी आपको अच्छा लगता है, तो वहां से आपको ये हेल्प मिल जाती है कि आपको भटकना नहीं पड़ता है, एक सही मार्गदर्शन में आपको बस वही पढ़ना होता है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाना है। तो इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें सारे आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, वो नोट्स जो होंगे वो आपकी किताबें होंगी, वो किताबें आपकी ईबुक के फॉर्म में होंगी, और वो ऐसे ही जिनकी कवर आपका पूरा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसका कंटेंट भी मैं किसी वीडियो में दिखा दूंगा, है ना। हालांकि आप वहां पे जाओगे परीक्षा प्लस ऐप पे, तो डेमो में आपका 1-2 कंटेंट यहाँ पे लगा भी होगा। सभी टेस्ट यहाँ पे जो आपके थोड़े बहुत एमसीक्यू टाइप में जो ऑनलाइन टेस्ट कराए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट मतलब क्लास में, उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, और बाकी इसकी रणनीति वगैरह हो गया और जो मार्गदर्शन है वो तो आपको दिया ही जाएगा। कहां से ये करना है, तो ये परीक्षा प्लस ऐप से आप परचेज कर सकते हो। स्टिल जो बच्चे खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनको इतना बोलूंगा कि अगर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहले से ही तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें जो एज है वो अपर लिमिट 30 है, मिनिमम लिमिट कुछ नहीं दी गई है, मतलब अगर आपने 12th 18वीं की उम्र में भी कर लिया है 18 साल की उम्र में तो भी आप एलिजिबल हो, चाहे 16 साल में भी 12th कर लियो तो भी आप एलिजिबल हो, मिनिमम कैप कोई नहीं है, मैक्सिमम कैप 30 साल है, तो 30 साल तक का कोई भी बच्चा, उसके बाद फिर एससी एसटी ओबीसी में रिलैक्सेशन भी है, तो काफी सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं जो भी साइंस साइड से 12th किए हैं या फिर 10th किए हैं और लैब अटेंडेंट का उनके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। रही बात अगर आपको करना है खुद से, तो बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं, अगर आपका पहला पार्ट तैयार है, मैं तभी के लिए बोल रहा हूँ कि आप केवल सेकंड पार्ट पे मेहनत करो और कुछ मत करो, आप एनसीईआरटी की केवल क्या कर लो, लैब मैनुअल आप कहीं से अरेंज कर लो, और वो लैब मैनुअल आप तीनों के तीनों पढ़ लो, क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है, 11, 12 से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट 9, 10, 10 तो आपको अच्छे से रट ही लो, इतना कर लोगे तो बेड़ा आपका पार हो जाएगा, ये बात क्लियर है। बाकी अगर आप चाहते हो कि स्मूथली, क्योंकि जब आप पढ़ोगे आप मैनुअल ढूंढोगे, उसके बाद वो पढ़ोगे, फिर उससे आप नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस आप करोगे, और इतना करने में आपका 2 महीना कहाँ निकल जाएगा ये नहीं पता लगने वाला है। आप अगर चाहते हो कि इतने रस से बच जाओ, तो जाहिर सी बात है टीम परीक्षा प्लस आपके साथ खड़ी है, एक एक मार्गदर्शन पे क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इसमें आपका जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन पूछा जाना है। अब जनरल अवेयरनेस में साफ साफ उसने ये लिखा है, जनरल अवेयरनेस में साफ साफ लिखा है कि इसमें आपका कोर जीएस नहीं पूछा जाएगा, मतलब इसमें आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपसे स्टैटिक मतलब कि बुक्स, फेमस बुक्स, ऑथर्स पूछा जाएगा, फेमस प्लेसेस जगहों के नाम पूछा जाएगा, ठीक है, यह हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के जो स्टैटिक पार्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज पूछा जाएगा, एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज पूछा जाएगा, जैसे कि सीबीएसई संस्था कब बनी, या फिर ईएमआरएस का गठन कब हुआ, या एनवीएस का गठन कब हुआ, या केवीएस का गठन कब हुआ, या फिर कौन सी स्कीम आई, एनईपी कब आई, ये सारी चीजें आपसे क्या होती हैं, एक जो फैक्ट बेस होती हैं एजुकेशनल नॉलेज, वो आपसे पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस मतलब आपका यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस नहीं है, यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस मतलब ये है, तो आप उसे पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। हालांकि मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो की जनरल अवेयरनेस कहाँ से तैयार करना है, आपको लैब मैनुअल वाला कहाँ से तैयार करना है, आपको मैथ्स तो इसमें पूछनी जाएगी, रीजनिंग कहाँ तैयार करना, और सब्जेक्ट मतलब की भाषा इंग्लिश से हिंदी का से तैयार करनी, अलग अलग वीडियो में आपको बना दूंगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपको ये पढ़ना है। बाकी अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का भी सिलेबस एक बार देख लेते हो, रीजनिंग और जनरल सब्जेक्ट का मतलब की भाषा का, तो रीजनिंग में आपका पजल्स पूछा जाएगा, जो कहीं नहीं पूछा जाता वो यहां पूछा जाएगा, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशियंसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्बल रीजनिंग का, इनइक्वलिटी पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन सीक्वेंस एंड सीरीज, डिडक्शन टेस्ट, और फिर एसेंशियल एंड रीजन और वेन डायग्राम पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 टॉपिक हैं, तो लगभग हर टॉपिक से एक या दो प्रश्न पूछा जाएगा, जहां पे पजल से सीटिंग अरेंजमेंट अगर पूछेगा तो वहां पे निश्चित रूप से उसी से तीन चार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बाकी सारी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, पजल या सीटिंग अरेंजमेंट से चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। सिमिलरली आपका जनरल अवेयरनेस में, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, करंट अफेयर्स और स्पेशल इंफेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, पांच क्वेश्चन अपठित गद्यांश होंगे, बाकी सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इस हिसाब से आप समझते हुए चलिएगा, ऐसे आपको तैयारी करते हुए चलना है। और ऐसे ही इंग्लिश में पांच क्वेश्चन का आपका क्या होगा, पांच क्वेश्चन का पैसेज होगा, ठीक है, पांच क्वेश्चन का पैसेज होगा, अनसीन पैसेज, बाकी सारे टॉपिक से आपका एक एंटोनिम्स, एक सिनोनिम्स, एक फिलर, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सबसे इडियम फ्रेजेस, सबसे एक एक क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपकी एक रणनीति होनी चाहिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो अल्टीमेटली अगर आपको तैयारी करनी है तो ये मान के चलो कि आपके पास समय कितना है, क्योंकि समय जितना भी मिल जाए उतना ही आपके लिए कम होगा, बट जो अभी टीम को पता है वो इतना मान के चलो कि 60 दिन आपको मिलने वाले हैं। मिनिमम 60 दिन तो मिलेंगे, लेकिन 60 दिन के आसपास ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको 90 मिल जाए, 60 से 65 हो सकता है, 70 हो सकता है, 90 नहीं होगा, इस बात को दिमाग में रखना। तो 60 दिन में आपके पास पार्ट कितने हैं, पार्ट मत जोड़ो, अगर देखा जाए तो रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और फिर तीन पार्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। तो आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, 3 इधर हो गए, 3 दो 5, 5 दो 7, लगभग 7 सब्जेक्ट हैं, और 7 सब्जेक्ट आपको 60 दिन में तैयार करने हैं, मतलब ऑन एवरेज आपके पास 8 से 9 दिन भी एक सब्जेक्ट को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो 2-3 दिन तो आपको ये समझने में लग जाएगा कि हम पढ़ाई अपनी शुरुआत कहाँ से करें। इस कारण से आपको तैयारी कहाँ पे फोकस करना है, आप तैयारी क्लास, जितनी भी क्लास आपको करवाई जा रही है वो आप क्लास गंभीरता से देखते चलो। उसके बाद ये डेली बेसिस पे आपकी 2-3 क्लास आपकी कराई जाएगी, ठीक है, 2-3 क्लास कराई जाएगी, जिसमें से 1-2 क्लास यहाँ पे और 1-2 क्लास आपका यहाँ पे दिया जाएगा, दोनों पार्ट आपके अलग अलग जो हैं। उसके बाद फिर क्लास के साथ आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं, जो बुकलेट दी जा रही है, इसको आपको फॉलो करना है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद जो आपको बीच बीच में MCQs कराए जाएंगे उनको आपको अच्छे से करना है। और ये आपको 60 दिन में अगर आपका पेपर होना है तो 50 डेज में हमें ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, और लास्ट के 10 दिन में हमें क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आप कितना भी पढ़ लो रिवीजन नहीं करोगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मतलब अब ये बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे की स्टडी होनी चाहिए, तो भाई 2-3 अगर हम क्लास ही देंगे तो मान के चलो कि 2-3 घंटा ऑन एवरेज 3 घंटे तो आपको क्लास में देनी है, कम से कम 2 घंटा ही आपको किस पे देना है, नोट्स पे देना है, और कम से कम 1 घंटा आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी है, और ये शुरू से करनी है। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत के 15 दिन आप पढ़ाई ज़्यादा कर लो, प्रैक्टिस कम कर लो, बाद में इसे बढ़ा लो, लेकिन आपको डेली बेसिस पे 6-7 आवर मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, और फिर भी आपका ये कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 373 लगभग 400 पद हैं, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, तो इसका कट ऑफ ये मान के चलो कि 80% के अबव ही रहने वाला है, नीचे नहीं होगा। मतलब 120 क्वेश्चन है तो कम से कम नहीं तो 96-97-100 नंबर जो बच्चा लाएगा वो क्या हो पाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएगा निगेटिव हटाने के बाद भी। तो कम से कम जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 120 में से 95 प्लस टारगेट होना चाहिए, तब आप अपने आप को इन मानना, और ये आपके लिए एक चैलेंज भी है। अब 95 प्लस लाना कैसे है, तो इतना मैं बता दूं कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई है इस 60 में से आपको 50 प्लस तो स्कोर करना ही करना है एनी हाउ, क्योंकि यहीं पे आपके आसान क्वेश्चन होंगे, जनरल क्वेश्चन होंगे, और वो होगा जो आप पढ़ के तुरंत पूछा जाए। बाकी जो आपका दूसरा वाला पार्ट है उसमें 60 में से 40 क्वेश्चन यहां पे भी करना ही करना है, ठीक है, मतलब और इस 40 में भी रीजनिंग के 15 में 15 आपको करना है क्योंकि वो आसान पूछा जाएगा, हिंदी में 15 के 15 करना है क्योंकि वो आसान पूछा जाएगा, 15-15-30 क्वेश्चन तो आपको यहीं से कवर करना है। फिर आपका जो नंबर कम होगा वो जनरल अवेयरनेस में कम होगा और थोड़ा बहुत इंग्लिश में। ऐसे बच्चे जो इंग्लिश भाषी क्षेत्र से हैं उनके लिए इंग्लिश तो इतनी टफ नहीं पड़ेगी, बट जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके लिए इंग्लिश में थोड़ा सा नंबर कम हो जाता है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि उन 30 में से इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस के 30 में से एटलीस्ट आपको 15 नंबर स्कोर करना ही करना है, ये इंग्लिश प्लस जनरल अवेयरनेस को लेके चला जाए। तो अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। बाकी आप कोर्स से जुड़ने के लिए आज ही परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लेट मत करिए, क्योंकि जितना समय आप बर्बाद कर दोगे दोस्त उतना ही आप क्या हो जाओगे,
पढ़ाई से पीछे हो जाओगे। ये 592 रुपये कोई बहुत ज़्यादा रुपए नहीं होते हैं, इसमें अगर आप देखो तो 1000 रुपये 2000 रुपये तो आपकी केवल फॉर्म की फीस है, उसका आधा भी कायदे से यहाँ पे आपके पूरे कोर्स की, जहाँ पे आपके 7 से 8 टीचर इंक्लूड रहेंगे आपको पढ़ाने के लिए, उसके बाद आपके सारे नोट्स, और ये नोट्स आपके ऐसे नहीं कि पहले से तैयार हैं। मैं बहुत टू बी क्लियर टू बी कैंडिड बोल दूँ, अगर आप ये बोलो कि सर मैंने कोर्स परचेज कर लिया, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के नोट्स तुरंत दे दीजिए, देखिए ये अभी पहली बार पेपर हो रहा है, पहली बार इसका सिलेबस डिसाइड हो रहा है, इसमें आपको डेली बेसिस पे 4-4, 5-5 पेजेस के नोट्स मिलेंगे, जैसे टॉपिक आपकी चलेगी उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके क्या चलेंगे नोट्स दिए जाएंगे, क्योंकि हम भाई वो नहीं है और आप दूध पीते बच्चे नहीं हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। मैं किसी पब्लिकेशन की तरह या किसी अन्य कोचिंग की तरह किसी दूसरे कोर्स की किताब का कवर बदल के आपके ऊपर चेप दूँ कि नहीं भैया यही पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, मैं वो नहीं करूँगा। मुझे आपका सिलेक्शन करवाना है, और सिलेक्शन करवाना है तो मेरे पास ये नोट्स पहले से तैयार रखे नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि रीजनिंग का मैं आपको सॉर्ट आउट करके पहले से दे दूंगा, ये हो सकता है कि मैं आपको इंग्लिश का दे दूंगा, हो सकता है हिंदी का दे दूं, क्योंकि पहले से इनके कुछ ना कुछ कंटेंट तैयार होते हैं, फिर भी यहां पर रिसर्च करना पड़ता है कि आपके पेपर में किस लेवल का पूछा जाएगा, आपके एनवीएस के पेपर को एनालाइज किया जाएगा, केबीएस के ऐसे जो सिमिलर पेपर हैं उनको एनालाइज करके फिर विस्ट प्रकार से आपको इसमें भी 4-5 दिन लग जाएगा। बाकी जो आपके फिजिक्स का खासकर ये केमिस्ट्री का लैब मैनुअल वाली किताब है, अच्छे से आप देख लीजिए, केमिस्ट्री की लैब मैनुअल वाली किताब है, फिजिक्स की लैब मैनुअल वाली जो किताब है, और ऐसे ही आपकी जो बायो की लैब मैनुअल वाली किताब है, और प्लस आपकी जनरल अवेयरनेस, ये आपके डेली बेसिस पे, ठीक है, ये बायो लैब मैनुअल, ये तीन किताब की बात कर रहा हूं, ये डेली बेसिस पे जैसे आपकी क्लास चलेगी उस बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, इसके आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप दूध पीते बच्चे नहीं हो कि आपको ये नहीं पता है कि कौन सही बोल रहा है कोई गलत बोल रहा है, क्या हकीकत है, मार्केट की यही हकीकत है कि वो आपसे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते हैं, उन्हें केवल पैसा बनाना होगा, और वो बुक की किताब अभी अभी ईएमआरएस की वैकेंसी आई है, 4 दिन बाद आप बुक शॉप पे जाइएगा, बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जो ईएमआरएस के नाम से प्रैक्टिस सेट और गाइड और पता नहीं क्या क्या निकाल के रख देंगे। आप खुद थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो कि क्या 4-5 दिन में इतना जो आपका सिलेबस है वो बन के कंटेंट तैयार होके छप के और फिर किताबों जो बुक स्टोर हैं वहाँ तक पहुँच सकता है क्या? अगर आप ऑर्डर करते हो तो आने में 2 दिन लग जाता है, तो बन के कंटेंट बन के छप के और बुक स्टोर पर पहुँचने में 4-5 दिन में कैसे पॉसिबल है, ये बात आप खुद से पूछ लो। और अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में आप तुरंत बोलिए मैं गलत हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो ये भी बोलिए हाँ सर आप सही कह रहे हैं, आप मेरी बात से सहमत हैं। तो यहाँ पर आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए मैं खुद भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, हाँ लेकिन सारे नोट्स दिए जाएंगे और विद इन आपको 30 डेज में, मतलब कि 1 महीने तक आपको सारे नोट्स प्रॉपर दे दिए जाएंगे, क्योंकि इस पे टीम पूरा दिन रात मेहनत करने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें कंटेंट आपको देने वाली है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, परीक्षा प्लस यहाँ पे एक नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और परीक्षा प्लस ऐप, परीक्षा प्लस आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आपको ये देख लेना है बस कि जो आपका लोगो है परीक्षा प्लस का, ये वाला लोगो है, ये दिमाग में आप रखे रहना, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसे भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा प्लस ऐप का जो लिंक है वो लगा हुआ है, आप वहां से जा सकते हो, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो, और इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी जानना है, कुछ पूछना है, आपको तैयारी में कहीं भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें, आपके सारे समस्या का जवाब समाधान यहाँ पे मिलेगा। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक बात बोलूंगा कि ये तैयारी में एक नौकरी आपको लेनी है तो वो नौकरी आपको केवल मेरे बदौलत नहीं, आपको अपनी बदौलत भी लेनी है। जितनी मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेरी टीम करने के लिए तैयार है, मैं आपको अश्योर कराता हूँ, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि एक भी कंटेंट आपका एग्जामिनेशन से बाहर नहीं होगा। आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा, हाँ सर जितना आप बोलेंगे कि ये आप पढ़ लो आपको मैं फॉलो करूंगा, ये मुझसे आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। और अगर आप प्रॉमिस करते हो तो कमेंट में जरूर लिखो, हाँ सर मैं वादा करता हूं कि आपके बताए अनुसार मैं तैयारी करूंगा, बस आप कमेंट में एक शब्द में लिख लो हाँ सर मैं वादा करता हूं। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन पुश कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके जरूरतमंद हो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वैकेंसी में एक बार हम लोग झंडा गाड़ सकें। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।